हेलो फ्रेंड्स, आज आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे एक्सेल में अपर फार्मूला, लोअर फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन के बारे में। ये क्या होता है और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये कुछ डेटा है, जिसमें है एड्रेस है, सारे एड्रेस ये मिक्सअप हैं, एक प्रॉपर वे में नहीं है। इसे आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग में आर स्मॉल हो गया है, बीच में एन कैपिटल हो गया है, इस तरह से सेकंड लाइन में भी आर स्टार्टिंग में स्मॉल है, बीच में कैपिटल हो गया है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कैपिटल हो गया है, या बीच में भी कैपिटल है। इस तरीके से ये मेरे पास कुछ डेटा है जहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ कैपिटल या स्मॉल का एरर है। जहाँ पे स्मॉल होना चाहिए वहाँ पे कैपिटल है, जहाँ पे कैपिटल होना चाहिए वहाँ पे स्मॉल है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए फ्रेंड्स, हम इसे कैसे सही कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन की मदद से इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो हम लगाएंगे इक्वल टू और लगाएंगे प्रॉपर, ये हमारा रहेगा टेक्स्ट, और एंटर। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा यहाँ पे हमारा जो ये टेक्स्ट है एक प्रॉपर वे में यहाँ पे आ गया है। इसमें स्टार्टिंग में आर स्मॉल था, आर कैपिटल आ गया है, फिर यहाँ पे भी कैपिटल है और यहाँ पे भी कैपिटल है। तो जहाँ पे कैपिटल होना चाहिए वहाँ पे कैपिटल है, और जहाँ पे स्मॉल होना चाहिए वहाँ पे स्मॉल है। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सारे फील्ड में, सारे सेल में, यहाँ पे ये स्टार्टिंग में डेटा में हमारे आर स्मॉल था और आप यहाँ पे कैपिटल हो गया है, और यहाँ पे बीच में भी कैपिटल था, यहाँ पे नेशनल में, तो नेशनल में यहाँ पे स्मॉल हो गया है। तो इस तरीके से हमारे सारे सेल में एक प्रॉपर वे में ये हमारे टेक्स्ट आ गए हैं, इसमें कोई मिक्सअप नहीं है। जहाँ पे स्मॉल की वैल्यू होनी चाहिए वहाँ पे स्मॉल टेक्स्ट है, जहाँ पे कैपिटल टेक्स्ट होना चाहिए वहाँ पे कैपिटल टेक्स्ट है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर फंक्शन की मदद से एक आसानी से हम लोग डाटा को प्रॉपर वे में बना सकते हैं। इसमें दूसरा हमारा फंक्शन है अपर का। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ टेक्स्ट अपर में ही चाहिए होता है कहीं कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो हम इन सारे डाटा को एक साथ अपर में कैसे लेके आएंगे, इसके लिए हमारे पास है अपर फंक्शन, और अपर हमने लगाया, टेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा, और इसको हमने एंटर कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि हमारी जो टेक्स्ट है वो अपर वे में आ गया है। इसको अब हम ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि सारे टेक्स्ट जो कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से थे वो सारे ही यहाँ पे अपर में आ गए हैं। क्योंकि कई बार हमें अपर की आवश्यकता पड़ जाती है कोई भी डाटा को कॉपी पेस्ट करने के लिए, यदि उसमें रिक्वायरमेंट अपर का है तो हमें अपर वैल्यू ही चाहिए, उसमें अपर टेक्स्ट चाहिए। तो इस तरीके से हम अपर टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड फंक्शन हमारा है लोअर का। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं पर हमें लोअर वैल्यू ही चाहिए होती है पेस्ट करने के लिए, तो हम लगाएंगे इक्वल टू लोअर। और टेक्स्ट हो जाएगा हमारा ये वाली, इसको यदि हम एंटर करेंगे तो हमारा सारा टेक्स्ट जो है लोअर में ये आ जाएगा। ड्रैग करने पे ये हमारी सारी लोअर में आएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसको हम लोअर में बदल सकते हैं, और ये आपकी लोअर वैल्यू यहाँ पे आ गया, लोअर टेक्स्ट आ गया। तो ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है एक्सेल में, प्रॉपर का, अपर का और लोअर का। प्रॉपर में हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, अपर में हम उसको अपर केस में चेंज कर देते हैं, और लोअर में हम इसे लोअर केस में चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही।
आज के इस वीडियो में हमने इतना सीखा कि अपर कैसे लगाते हैं, लोअर कैसे लगाते हैं और किसी भी टेस्ट को प्रॉपर कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।